स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। राष्ट्रीय एकता दिवस किस प्रमुख भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। आंसर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्सप्लेनेशन। एकता दिवस, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 31 अक्टूबर को देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को भारत संघ में विलय करके भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न। अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दीयों से रोशन किया गया? ए गोदावरी, बी गंगा, सी सरयू, डी यमुना। आंसर सी सरयू। एक्सप्लेनेशन। दीपोत्सव के दौरान 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सरयू नदी तट पर 25 लाख से अधिक दीये जलाए गए। दीपोत्सव समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 1,100 लोग सरयू नदी के तट पर एक विशेष आरती किया। अगला प्रश्न। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए मेघालय, बी असम, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। आंसर डी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड से लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया। इस पहल की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए दो स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या है? ए अजेय और अमृत, बी अदम्य और अक्षर, सी अचल और अभिनव, डी आकाश और अनंत। आंसर बी अदम्य और अक्षर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में दो स्वदेशी तेज गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित ये जहाज 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाए गए हैं। इनका निर्माण तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए किया गया है, जिनकी लंबाई 52 मीटर और अधिकतम गति 27 समुद्री मील है। अगला प्रश्न। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में उन्होंने एक शानदार पारी खेली थी। मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए साल 2011 में T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। उन्होंने टीम के लिए 92 T20 इंटरनेशनल मैचों में 1202 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं।